मैं शेफ जयदीप आज लाया हूं आपके लिए तीन बड़े ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज। स्वागत है मेरे किचन में। आज बनाने वाला हूं आपके लिए तीन रेसिपीज जो मैंने खास सिलेक्ट किया है वेस्टर्न क्यूजीन से। पहला एक सूप है जो मैं बनाने वाला हूं एक बड़े ही अनयूजुअल इंग्रेडिएंट से। इंग्रेडिएंट क्या है बताऊं आपको, ये है कैरी, रॉ मैंगो। रॉ मैंगो को मैंने जला लिया है गैस के फ्लेम के ऊपर ताकि उसका छिलका बिल्कुल जल जाए। उस छिलके को मैंने पील कर लिया है और उसका जो पल्प है, जो फ्रूट है, वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं रॉ मैंगो सूप। सबसे पहले प्याज को काट लेते हैं। प्याज के सफेद हिस्से को मैंने काट लिया है, अब इसका जो हरा हिस्सा है उसको भी चॉप कर लेता हूँ। थोड़ा सा डालूंगा सूप पकाते वक्त और थोड़ा सा डालूंगा बिल्कुल एंड में गार्निश करने के लिए। पैन को कर लेता हूँ गरम। ये रॉ मैंगो का जो पल्प है ये डाल के मैं सूप बनाऊंगा। पैन में डाल देता हूँ थोड़ा सा तेल। चलिए तेल गरम होने लगा है, इसमें डालना है मुझे जिंजर गार्लिक का थोड़ा सा पेस्ट। थोड़ा सा ही यूज़ करना है लेकिन अक्सर किचन में बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। मैं यूज़ करने वाला हूँ डाबर होममेड का जिंजर गार्लिक पेस्ट। ले आता हूँ एक पैकेट। ये डाबर का जो होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये बनाए जाते हैं बिल्कुल फ्रेश और चोजन इंग्रेडिएंट से। ये आपके खाने में सिंप्लिसिटी और कन्वीनियंस तो ऐड करता ही है बट साथ में एक अलग सा फ्रेशनेस भी ऐड करता है। ये आप देखिए बिल्कुल होता है होममेड की तरह, ये थिक होता है। चलिए ऑयल गरम कर लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें डाल देंगे प्याज और हल्के आंच पे थोड़ा सा और कर लेंगे सौते। चलिए ये हल्का सा कलर आ गया है, आप देख रहे हैं किस तरह ये अनियन नरम होने लगा है प्याज। अब इसमें डाल देते हैं ये कच्चे आम का जो पल्प था वो। चलिए इसको सौते कर लेते हैं थोड़ी देर और। ये हो गया आम का मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी। इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक। वेजिटेबल स्टॉक का इस्तेमाल आप आपके किचन में करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो जरूर शुरू कर दीजिए। बनाना बहुत आसान है और उससे भी आसान है वेजिटेबल स्टॉक के क्यूब्स खरीदना। ये सूप तैयार होने लगा है, अब इसमें मैं डालता हूं थोड़ा सा नमक। ये सूप को आप अगर चाहें ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। समर मंथ्स में जब बहुत गर्मी हो बाहर और आप गेस्ट्स को इनवाइट किए हैं लंच पे, ये सूप से शुरुआत कीजिए और देखिए वो क्या सोचते हैं आपके कुकिंग स्किल्स के बारे में। चलिए ये बॉयल होने लगा है, अब मैं इसमें डाल देता हूँ आधा ग्रीन अनियंस। ग्रीन वेजिटेबल्स कभी भी आप खाने में जब डालते हैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाइए बिकॉज ग्रीन कलर बहुत जल्दी खराब हो जाता है खाने में। हाई कुकिंग में लॉन्ग अगर आपका कुकिंग ड्यूरेशन है तो ग्रीन कलर जो है वो तुरंत खराब होने लगता है और एक गंदा सा ग्रे कलर हो जाता है। चलिए सूप ऑलमोस्ट तैयार है, चलिए इसको एक बारी टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही मजा आ रहा है। अब इसमें डालना है एक फाइनल इंग्रेडिएंट जो है दही। ये आम में काफी मिठास था इसीलिए मैंने इसमें शुगर नहीं डाला है, लेकिन आम अगर आपका खट्टा हो तो थोड़ा सा शुगर जरूर डाल लीजिएगा। सूप को करना है प्यूरे। मैं ले आता हूं एक ग्लास बोल। यूज करने वाला हूं ये इमर्शन ब्लेंडर। ये इमर्शन ब्लेंडर गरम से गरम लिक्विड में ये चलता है।
चलिए सूप हो गया तैयार। इसमें मैं मिलाने वाला हूँ थोड़ा सा ये ग्रीन अनियन जो मैंने पहले से काट कर रखा था। सर्विस से जस्ट पहले थोड़ा सा मिला दीजिए, कलर बिल्कुल ही ब्राइट ग्रीन रह जाएगा। ये सूप आप गरम सर्व कीजिए, ये ठंडा सर्व कीजिए, मजा उतना ही आने वाला है। ग्रीन मैंगो सूप बिल्कुल तैयार। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा दही, एक व्हाइट स्पेक नजर आएगा, अच्छा लगेगा। और उसके ऊपर एक चुटकी भर जीरा पाउडर। चलिए ये सूप खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप नोट कीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स और देखिए एक क्विक रिकैप। रॉ मैंगो एंड ग्रीन अनियन सूप। सामग्री: एक कच्चे आम का पल्प, चार स्प्रिंग अनियन विद ग्रीन्स बारीक कटे हुए, एक छोटा चम्मच डाबर होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक कप वेजिटेबल स्टॉक, एक बड़ा चम्मच तेल, तीन बड़े चम्मच दही, अधिक दही सजाने के लिए, चुटकी भर जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार। इसे बनाने के लिए स्प्रिंग अनियन और ग्रीन्स को बारीक काट लीजिए। एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम कर लीजिए। अब इसमें डाबर होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर भून लीजिए। अब इसमें स्प्रिंग अनियन डालकर हल्का भून लीजिए। कच्चे आम का पल्प मिला लीजिए और थोड़ी देर भून लीजिए। अब इसमें वेजिटेबल स्टॉक डालकर भून लीजिए। थोड़ी स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स डालकर भून लीजिए। दही डालकर मिला लीजिए। सूप को एक बाउल में निकालकर एक ब्लेंडर की सहायता से प्यूरे बना लीजिए। बचे हुए स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स मिला लीजिए, एक सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए। थोड़ा दही और जीरा पाउडर से सजाकर तुरंत सर्व कीजिए।